हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ TOPG टास्क नंबर 11 विच इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से किस्सा गोई इन हिंदी ऑब्वियसली। सो टुडे आई विल बी टेलिंग अ स्टोरी। आई लर्न दिस स्टोरी इन वन इन विपासना मेडिटेशन कोर्स, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टील इट फ्रॉम देयर एंड देन आई विल टेल इट हियर। सो क्या होता है, एक आद आद आदमी होता है, वो एक बार काफ़ी बीमार पड़ जाता है। तो वो डॉक्टर के पास से जाता है। डॉक्टर उसको क्या कहता है कि उसका पूरा चेकअप करता है, और फिर चेकअप करके बताता है कि तुमको ये बीमारी है, तो तुम अगर ये दवाइयाँ खाओ प्लस सुबह सुबह शाम टहलने जाओ तो फिर तुम्हारी बीमारी बीमारी दूर हो जाएगी। आदमी बहुत बहुत खुश वो घर गया। उसने दवाई तो खाई नहीं, और ना ही वो टहलने गया, पर उसने करा क्या, उसने डॉक्टर की एक एक मूर्ति बनाई और अपने घर पे टांग दी। अब वो दिन रात बैठ के उसकी पूजा कर रहा है। पूरे अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको बता रहा है कि मेरा डॉक्टर बहुत बहुत अच्छा है, उसको मैंने जैसे ही अपनी बीमारी बताई तुरंत उसने उसका इलाज बता दिया। मतलब टाइम तो लगा ही नहीं। उसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है क्योंकि उसने उसने अभी तक ना ही दवा खाई है और ना ही कुछ जाके उसने एक्सरसाइज करी है, पर उसने मूर्ति टांग दी है और दिन रात उसकी पूजा कर रहा है वो। उसी समय पे क्या हुआ कि उसका जो पड़ोसी था उसके भी कोई दूसरी बीमारी हुई। तो वो उस पहले वाले के डॉक्टर के पास ना जाके किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया। वो भी काफ़ी अच्छा डॉक्टर था। उसने भी जैसे ही बीमारी देखी तुरंत उसने उसने देखते ही दवा बता दी कि भैया तुमको ये बीमारी है, तुम अगर इस दवा को खाओगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। वो भी घर पे आया। उसने भी सिर्फ और सिर्फ मतलब दवाई तो खा ही नहीं, उसने उसने करा क्या, वही चीज उस डॉक्टर के नाम की एक एक प्रतिमा जड़ दी और दिन रात बैठ के उसी डॉक्टर का नाम जपना स्टार्ट कर दिया कि मेरा डॉक्टर क्या है, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा डॉक्टर ऐसा है, दवाई वो भी नहीं खा रहा है, पर पूजा पाठ बहुत जोरों से चालू है। एक दिन दोनों पड़ोसियों की मुलाकात हुई।
अब एक कहे कि मेरा डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, दूसरा कहे कि मेरा डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, दोनों दवाई तो खा नहीं रहे, बीमारी बढ़ती गई, पर दोनों आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, और आखिर में दोनों, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा।